हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और इंस्टा पे भी फॉलो कर ले। और आप लोग को से एक विनती है कि वीडियो को मेरा शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट भी करो और लाइक भी करो। जैसे कि बहुत सारे मैसेज और कमेंट मुझे आ रखी थी कि भैया बोनाफाइड मेरे कब तक आ जाएंगे या क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो डोंट वरी, आज मैं सारा डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। बात कुछ ऐसा है कि मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन है मेरा भी एग्जाम चल रहा है जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग टेंशन ना ले, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं तो अच्छे से वीडियो फिर बनाऊंगा, सारा डाउट सारा लोग को अच्छा से क्लियर कर दूंगा एक एक टॉपिक पे। फिलहाल तो मैं टेम्प्रोरी के लिए मुझे टाइम मिल गया 2-3 दिन का, तो मैंने सोचा वीडियो एक बना देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा बहुत सारे बच्चे परेशान हो रखे तो क्यों ना इसका हेल्प किया जाए, जिसके कारण मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आ गया हूँ। फिर जैसे कि आप लोग भी बहुत टेंशन में होंगे और आप लोग को भी लग रहा होगा कहीं मैं फंस तो नहीं गया इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर, तो आप लोग का माइंड में बस ये चल रहा होगा कि यार DRCC अभी अनब्लॉक इस यूनिवर्सिटी को नहीं किया है और ना ही यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड आ रहा है, तो अब क्या होगा, मेरा पैसा भी फंसा और मेरा एक साल बैक भी होने वाला, क्योंकि हर जगह कॉलेज जो है ना वो स्टार्ट कर चुकी है अपने सिलेबस से, तो इस यूनिवर्सिटी में अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो बात कुछ है इसकी, मैंने जब एडमिशन करवाया था तो मेरा जब क्लास स्टार्ट हुआ था वो सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो आप लोग तो अभी तो जुलाई ही चल रहा है, तो लेट से हुई इस यूनिवर्सिटी में क्लास स्टार्ट होता है, तो आप लोग टेंशन ना ले। और हाँ, मैंने 2 दिन पहले गया था एडमिन ब्लॉक, अश्विनी सर से मैंने मिला था, भी था अश्विनी सर से, मैंने मतलब 3 क्वेश्चन उनके पास रखा है, सर DRCC वाले कब तक अनब्लॉक कर देंगे इस यूनिवर्सिटी को, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बोनाफाइड कब तक चला जाएगा, तीसरा ये था जो एडमिशन हुआ है वो एडमिशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। फिर सर का रिप्लाई आया मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सर ने सीधे बोले बोनाफाइड को लेकर कि बोनाफाइड तो भी कट ही नहीं रहा। जैसे कि DRCC से रिलेटेड सर ने मुझे ये बताया कि DRCC वाले अनब्लॉक क्यों किए वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं जा रहा हूँ पटना और मैं पटना से जब रिटर्न हूँगा तो फिर मैं कुछ बताऊँगा बोनाफाइड कब तक फिर मिलेगा और फिर कब तक सारे लोग एडमिशन जो लिया है कब तक यूनिवर्सिटी चला आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उन लोगों स्टूडेंट को बुला लूँगा जिसने एडमिशन लिया, सारे स्टूडेंट को बुला लूँगा, और जिसने पैसा पे कर दिया वो तो ठीक है, और जिसने पे नहीं किया जैसे कि BBA डिपार्टमेंट और BCA डिपार्टमेंट वो दोनों से 10 या 15 हज़ार लूँगा, क्योंकि हॉस्टल फी और मेस तभी मतलब मैनेज होगा। उसके बाद फिर बोले कि 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर सारे लोगों को अपना फायदा भी मिल जाएगा, कॉलेज भी अनब्लॉक हो जाएगा और फिर अपना वो एग्रीमेंट जाकर करवा लेंगे, वो जो 15 हज़ार और 10 हज़ार जो देंगे बच्चे उसमें जाकर मैनेज हो जाएगा। अब जो तीसरा सवाल का आंसर है वो सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो भाई साहब बात ऐसा है कि क्लास तो लेट से ही स्टार्ट होगी, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 2022 में हम आए थे और मेरा जो क्लास स्टार्ट हुआ था वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग का भी मेरे ख्याल से क्लास जो स्टार्ट होने वाला है वो सितंबर नहीं भी कह सकते तो अगस्त से तो क्लास स्टार्ट होगा, उससे तो पहले स्टार्ट नहीं होने वाला है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को मेल पे मैसेज चला जाएगा, आप लोग को कॉल चला जाएगा, आप लोग को बुला लिया जाएगा इधर, तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना रखें कि कब से लेट मेरा हो रहा है सिलेबस, वो आप लोग को बुला लेंगे इधर ही। जैसे कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार बोनाफाइड कब आएगा, बोनाफाइड नहीं आएगा तो मेरा क्लास नहीं स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बोनाफाइड नहीं भी जाता तो वो कॉल करके तुम्हें बुला लेंगे। और उसके बाद क्लास स्टार्ट जो है वो क्लास स्टार्ट अगस्त से पहले तो होने वाला नहीं है जो भी डिपार्टमेंट हो, वैसे मैं कह सकता हूँ BBA डिपार्टमेंट और BCA डिपार्टमेंट, BCA में अभी एग्जाम चल रहा है, BBA में भी एग्जाम चल रहा है, तो जब तक फर्स्ट ईयर का क्लियर नहीं कर देते तब तक वो सेकेंड ईयर में नहीं चले जाते, तब तक फर्स्ट ईयर को कहाँ से बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो अगस्त से पहले नहीं बुला सकते हैं। तो अगस्त आप लोग BBA BCA डिपार्टमेंट से आप लोग कन्फर्म रहो कि आप लोग को अगस्त में बुलाया जाएगा, इससे पहले कॉलेज में नहीं बुलाया सकता है। बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आ रखा था, मैसेज आ रखा था कि भैया मुझे PG लेना है, तो मैं कहूँगा कि जो PG लेने वाले हो वो कमेंट कर दो, ठीक है, जो जो कमेंट मतलब जो जो PG लेने वाले हो वो कमेंट में कर दो, ताकि अगर साथ में रहोगे ना तो पैसा कम लगेगा, आप लोग का एक बचत होगा, दो बच्चे मिलकर 3-3 हज़ार रुपये दे सकते हो। अगर कॉलेज के बाजू में लेना चाहते हो, जैसे कि अगर गाँव में चले जाओगे तो आप लोग को 3500-4500 में रूम मिल जाएगा, सिंगल आप लोग रह सकते हो, और अगर कॉलेज का बगल में लेना चाहते हो तो आप लोग को 6000-7000 ऐसे करके चला जाएगा मंथली फी। तो मैं तो कहूँगा कमेंट करो, और आप लोगों को कमेंट करके एक दूसरे से बातचीत कर लो,
एक नंबर एक्सचेंज कर लो ताकि आप दोनों को हेल्प हो सके। अब बाकी आप लोगों की जो डाउट क्लियर नहीं हो पाई है तो वो मुझे मैसेज करें इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें या फिर कॉल करें। लेकिन हाँ, ज़्यादा कॉल नहीं करना क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा है, मैं भी अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ हूँ। ओके, बाकी अब जो भी वीडियो है वो एग्जाम के बाद ही मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।